साहिल और मेरा एक अनोखा रिश्ता था। मैं ही उसके लिए बाप और मैं ही उसके लिए माँ था। वो मेरे घर की रौनक था। वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता था। सांसें मेरी अब बेफिकर हैं, दिल में बस कैसे ये पल हैं, बातें संभल जा रही हैं, पलकों में यूं ही हंसी है, मन में छुपी कैसी ये धुन है, हर ख्वाहिश उलझी के धल है, पैरों से जख्मी जमी है, नजरें भी ठहरी हुई है, है रुकी हर घड़ी, हम है चले राह तुम A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बैठ जाओ बैठ जाओ। ये सब फोर्थ क्लास में पढ़ते थे हम लोग, ये नहीं आता तुम्हें? तुम बताओ बेटा क्या होगा A माइनस B का होल स्क्वायर? सर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2। बहुत बढ़िया। क्या नाम बेटा तुम्हारा? साहिल। साहिल नाम है तुम्हारा? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बेटा, सीखो कुछ। ये सब फोर्थ क्लास की चीजें हैं, पहले तो तुम पढ़ाई नहीं करते हो, दिन भर मस्ती, यहाँ घूमना वहां घूमना। अरे पढ़ाई पे ध्यान लगाओ बेटा। चलो बेटा जरा तुम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। सिक्स्थ क्वेश्चन में लिखा है कंसीडर द एग्जांपल इन मोबाइल चला रहे क्लास के अंदर, तुम्हारा मोबाइल लेके हम फेंक देंगे अभी। अरे दानिश सर आप आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, तकलीफ किस बात? अरे लाइए आइए आइए, सामान दीजिए सामान दीजिए, आइए आइए आइए। अरे घर तो बड़ा शानदार है आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद, आइए आइए आप आइए। अरे थाने से आप क्या? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। लगता है साहिल के मैथ्स में अच्छे नंबर आ ही जाएंगे। जी 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 जरूर जरूर। और कैसा लगा आपको साहिल? साहिल बढ़िया बच्चा है, पढ़ाई में बहुत रुचि दिखाता है। अच्छा। और उसको पढ़ाने में मजा आता है। अरे क्या बात है क्या बात है, आइए मैं आपको घर दिखाता हूँ। चलिए चलिए। ये साहिल की माँ नहीं है? साहिल की माँ शालिनी आज से 10 साल पहले ही गुजर चुकी है, पर मैं उसे कभी उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने देता। कभी बाप बन के डांटता हूँ तो कभी माँ बन के मना भी लेता हूँ उसे। अरे बड़ा अनोखा रिश्ता है आप लोगों का। जी जी, आप भी हमें अपने परिवार की तरह ही समझिए। जी जी जी। इस बड़े शहर में अब मुझे घर की कमी महसूस नहीं होती। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आइए ना आपको आपका कमरा दिखाता हूँ। अरे सारे सुनो, तुम सारे सुनो मेरी बात। अरे वो जो दानिश सर है ना जो हमें मैथ्स पढ़ा रहे, वही खड़ूस से जो मेरे को परेशान कर रहे थे। हाँ वही वही वही। अरे वही वही, वो मेरे घर पे किराए पे रहने आया है। क्या बात है, तेरी तो निकल पड़ी। सही में आपको बुलाएंगे मैथ्स में? हां अब तुम्हें थोड़ा बताऊंगा। अरे यार भाई कैसा रहेगा, ऐसे ही प्यार हो जाएगा। अरे साहिल बेटा
कैसे चल रही पढ़ाई? अरे हाँ सर, अच्छी चल रही है पढ़ाई। बस ना सर एक डाउट था मैथ्स में, तो अगर आप क्लियर कर दो। बताओ बताओ सर। वो आरडी शर्मा का क्वेश्चन दिया था ना आपने, हाँ हाँ हाँ, वो सॉल्व नहीं हो रहा अलजेब्रा वाला। अरे बेटा ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या करना है तुम्हें, ये x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है? वो कर लोगे तो तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। समझा गया बेटा? सर एक बार आप लिख के बता दो, ऐसे में जो समझ नहीं आया इतने अच्छे से। अच्छा तो चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। सर 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 ये रहने दीजिए। अरे बेटा हवा चल रही ना इसलिए बंद करा था। साहिल बेटा देखो एलजेब्रा में हमें हमेशा क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? तो जैसे कि मान लो कोई इक्वेशन है 4x equals to 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4, ठीक है? जी सर। अब देखो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, अब मैं थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन देता हूँ तुमको। यहाँ पर देखो मान लो है 4x plus 2 equals to 3x, ठीक है? तो अब इसमें तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर पे x की वैल्यू क्या होगी। ठीक है सर। अरे घबराओ मत मैं हूं ना, करो क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पर भी क्या करना है तुम्हें, x की वैल्यू निकाल, समझ रहे हो? अरे डरो मत मैं हूं ना। देखो यहाँ पर भी क्या करना है तुमको, तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है। अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, बैठो बैठो बैठो। देखो x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, समझ रहे हो? यहाँ पर पे 3x इधर आ जाएगा, ठीक है? और क्या आ जाएगी वैल्यू पे, x इक्वल्स टू माइनस 2 आ जाएगी, समझ रहे हो? Oh,
वीडियो और उसमें बताएगा कि मैंने रेप नहीं किया है, समझ रहा है? चल हट, बना वीडियो। बेटा सच सच बताना क्या क्या हुआ, ठीक है? कैमरे को हर चीज सच से बोलना, ठीक है? चल अभी मैं कैमरा स्टार्ट करूंगा, तुम सच सच बताना क्या क्या हुआ। चल बोलना शुरू कर। मेरा नाम साहिल मिश्रा, मैं क्लास 10 सी का स्टूडेंट हूँ। दानिश सर ने मेरा रेप किया है। अब बता अपने प्रिंसिपल को। साहिल, अरे डर क्यों रहा बेटा? अरे डर मत यार, मुझे लगा तुझे मजा आ रहा था कल। गुस्सा मत हो, तेरी माँ होती तो उसके साथ भी है। क्यों ये सितम रुकता नहीं, क्यों कहकशां दिखता नहीं, क्यों दरमियां बिखरी हुई हैं, दर्द से आशा नहीं। जिस ओर नजरें थी फिरी, बिखरी हुई थी वेदना, फिर मैं भी क्या करता स्वयं को, दे रहा संवेदना। एक जमाना वो भी था जब खेलते थे साथ साथ, संग झूमे संग नाचे थाम के हाथों में हाथ। चार पल की जिंदगानी, पल दो पल क्यों थी रजा, क्या खता की मैंने जो बदले में पाई ये सजा।
छोटी बातें करते हैं जब सोच ही अपनी छोटी है। कुछ ना सोचो, कुछ ना बोलो, जो बोलेगा वो दोषी है। ये कैसी भय की बातें हैं, क्या तुमने सुनी ऐसी बातें? मन के पर्दों को खोलो अब और फिर से सुनो मेरी बातें। पाप वही है, फर्क नहीं है क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग है। बात नहीं पर दर्द वही है, क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग है। सामर्थ्य एक, अधिकार एक, फिर क्या स्त्रीलिंग क्या पुल्लिंग है। इस पाप को क्यों ना माने अगर पुल्लिंग के साथ एक पुल्लिंग है। उनसे पूछो जिसने खोया है तन के उस सम्मान को, शक्ति को, विश्वास को, अंतर के आसमान को। हे प्रभु ले चल मुझे, तू है कहाँ मेरे खुदा। फिर कैसा ये संसार है जब रूह तन से है जुदा। किसको कहूँ कैसे लिखूँ मेरी कथा खूनी व्यथा। जब शीशे में देखूँ स्वयं को हो घृणा क्यों तू बता। मेरे हृदय का हर अणु अब रो रहा चिल्ला रहा। जिसने किया ये क्यों किया तू रुक कहाँ को जा रहा। संभोग का सुख था नहीं उस चेहरे पे ना आँखों में। उन आँखों में कुछ क्रोध था और दंभ था उन आँखों में। क्या स्त्रात जागे थे कहीं जो ना संभाले जा सके। मानव को दानव बनते देखा था कहीं उन आँखों में।